यही है फिर वापस हल्के से पहले सिर नीचे लगाते हैं, पीठ को नीचे लगाते हैं और एक एक पैर खोल के सामने फिर से शवासन। ये कौन सा आसन था बच्चों? शवासन, चक्रासन करा उसने, शवासन पहले करते हैं तैयारी के लिए। किसी में सर्वांगासन कर लो, दोनों पैरों को उठाओ बेटा, शैयाशी का ना 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 सर्वांगासन, हाँ सीधे उठाओ, पहले लेटो पैर सीधे करो, ऐसे नहीं उठाते, देखो गलती आप करोगे तो गलती सीखोगे। शवासन करो पहले, हाँ अब सिर्फ बिना पैरों को मोड़ो, सीधे पैरों को उठाओ, दोनों को हथेली जमीन से लगाओ और ये फिर घुटना बढ़िया मोड़े, हाँ अब उठाओ ऊपर, इधर को पीछे ले जाते हैं, बहुत सुंदर, वेरी गुड, पहले सर्वांगासन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बच्चों को सबको आता है, ठीक है सब लोग अपनी अपनी वीडियो बना के भेजना, फिर मुझे वीडियो बना के भेजोगे। इसमें क्या है कि आप पैरों के पंजों को देखो, याशिका पैरों के पंजों को देखो और स्थिर रहो थोड़ी देर, 10 सेकंड तक इसमें आपको रहना है, बहुत बढ़िया। धीरे से वापस आना भी देख लो, वापस आने में हल्के से पहले ये मोड़ना गलत है याशिका, मोड़ना गलत है, हल्के से पीछे ले जाओ दोनों पैरों को पीछे की तरफ, ऐसे सीधे सिर की तरफ, सिर की तरफ, सिर हाँ अब हथेली जमीन से लगाओ, हथेली जमीन से लगाओ, पड़ोस हाँ ये अब धीरे से कंट्रोल करते हैं बॉडी को, वेरी गुड वेरी गुड, धीरे धीरे घुटने सीधे, बहुत अच्छा, ये करने का प्रयास करोगे, लाना और ले जाना सर्वांगासन का महत्वपूर्ण है। ओके इसमें आपको घुटना नहीं मोड़ना चाहिए, सिर नहीं उठना चाहिए, दो चीज आप ध्यान रखो, आप आसन जब करते हो सर्वांगासन तो उसमें घुटना नहीं मोड़ना चाहिए और सिर नहीं उठना चाहिए, तब आपका आसन पूरा कंप्लीट, नंबर आपको तभी मिलते हैं डिविजनल में,